सो हेलो टाइटेनियम गैंग्स और स्वागत है भाई लोग की कॉर्नर वीडियो में। सो गाइस यार यहां पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये बात निकल के आई है कि यहां पर फेसबुक अकाउंट और गाइस यार ट्विटर अकाउंट बैन होने वाला है, वो भी परमानेंटली होगा यानी। एंड गाइस यार क्या रीजन है, किस लिए हो रहा है बैन और क्या यहां पर आपका पबजी फ्री फायर एंड गाइस यार अदर गेम्स के जो अकाउंट है जिससे फेसबुक से लिंक्ड है क्या वो ओपन होंगे यानी, ये सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करूंगा क्योंकि यार काफी बड़ा टेंशन दे दिया गया है जो कि बंदे बहुत ज्यादा गेम में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड गाइस यार जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके लिए गाइस यार ये काफी बड़ी चीजें हैं। तो गाइस यार फुल डिटेल मैंने नीचे आर्टिकल दे रखा है, अगर आपको पूरी अच्छे से पढ़ने है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आर्टिकल का, न्यूज चैनल का आर्टिकल दे रखा है कि क्यों बैन हो रहा है, किस लिए बैन हो रहा है एंड सब कुछ, तो आप लोग उसको एक बार पढ़ सकते हो जा करके यहाँ पर। लेकिन गाइस यार मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि गाइस यार इंडियन गवर्नमेंट ना फेसबुक और ट्विटर से ना कुछ जरूरी कागजात डॉक्यूमेंट्स मांगी थी जो कि यार ये लोग चार्ज करने से मना कर दिए। तो गाइस यार यहाँ पर सेक्शन 79 के तरफ से ना गवर्नमेंट ना उनके ऊपर आर्टिकल 79 के तरफ से आप लोगों को इंडिया से बैन किया जा रहा है यहाँ पर फेसबुक और ट्विटर को। आप लोगों को मैं बता दूं कि क्यों बैन किया जा रहा है, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा था उनको कि प्राइवेसी डाटा लीक हो रहे हैं एंड गाइस यार उसके साथ ही सेफ्टी नहीं मेंटेन किया जा रहा है, यहाँ पर सेक्सुअल कमेंट्स किए जा रहे हैं बहुत कुछ, जिसकी वजह से यहाँ पर फेसबुक और ट्विटर को यहाँ पर वॉर्न किया गया था। एंड गाइस यार यही कंडीशन है कि यहाँ पर ट्विटर जो है अभी तक अपनी प्राइवेसी लीक करने की बात से अभी सहमत नहीं है, कुछ भी बताया नहीं है। एंड गाइस यार फेसबुक का भी सेम कंडीशन है, इसकी वजह से ये बैन हो रहा है, कल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बैन का। एंड गाइस यार अभी क्लियरली ये बात नहीं पता चला है कि बैन होगा या नहीं होगा, तो गाइस यार जैसे ही ये चीजें निकल के आती है आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, बहुत सारे मीडिया अफवाह फैला रहे एंड बहुत सारी चीजें ऐसी अफवाहें चल रही है, तो गाइस यार अफवाहों से सावधान रहे आप लोग को मैं बता दूं यहाँ पर कि टेंशन लेने की बात नहीं है, मेरा बात हुआ है मॉडरेटर से। तो गाइस यार यहाँ पर वो लोग यही चीज बोल रहे कि अभी गरीना वालों ने इसमें कुछ भी क्लियरली नहीं बताया, लेकिन गाइस यार मॉडरेटर से मैंने बात किया तो उन लोगों ने बोला कि गाइस आप लोगों को ना फेसबुक आईडी लॉगिन नहीं होगी, मतलब यार फेसबुक आईडी लॉगिन कर सकते हो, गेम में लॉगिन कर सकते हो लेकिन गाइस यार फेसबुक नहीं चला सकते, तो फेसबुक वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लोग लॉगिन किए हो गेम से तो आप लोगों का फेसबुक चलेगा, मतलब यार गेम चलेगा, तो लॉगआउट नहीं करना जो भी लॉगिन किए हो, और बस यार टेंशन लेने की बात नहीं है अभी के लिए, लॉगआउट नहीं करना कोई भी गाइस यार, आप लोगों को बस इतना ही बताना है कि टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे ये सारी डाउट्स क्लियर होती है ना तो मैं आप लोगों को वीडियो बना करके अलग से बता दूंगा, तो अभी आप लोगों को मैं सिंपली बता दूं यहां पर कि यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिससे फ्री फायर पबजी बोल रहा हूं गाइस यार फेसबुक और ट्विटर एंड हो, ट्विटर एंड मतलब बैन हो, अभी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया, केवल और केवल मतलब एक लीक अपडेट निकल के आई है कि बैन हो सकता है क्योंकि यार ये आखिरी डेट है कल, जो कि यार अगर कल तक आप लोगों को सबमिट कर देती, अगर जितने भी प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स हमारी गवर्नमेंट मांग रही है अगर फेसबुक और ट्विटर अगर प्रोवाइड करा देते तो यहाँ पर फेसबुक और ट्विटर बैन होने से बच जाएगा और हमारी आईडीज को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं गाइस जितने भी बंदे फेसबुक से लॉगिन करके ट्विटर से लॉगिन करके खेलते हैं आप लोगों को लॉगिन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर और फेसबुक नहीं चलेगा यहाँ पर, जो कि एक लीक अपडेट निकल के आ रहा है। अभी बाकी चीजें तो क्लियर नहीं हुई है, जैसे ही क्लियर होगी मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, तो उसके लिए करना कि आप लोगों को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, और टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस यार, जो भी होगा इंडियन गवर्नमेंट सोच समझ के करेगी। लेकिन हाँ आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं गाइस, इतनी ज्यादा टॉपअप होती है, इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं तो गाइस यार यहाँ पर आप लोगों को फ्री फायर कुछ अलग चीजें निकाल के लाएगा यहाँ पर, कि हो सकता है फेसबुक से लिंक हटा करके कोई और सर्वर में डायरेक्ट कनेक्ट कर दे या फिर आप लोगों का ये आईडी को जो है वो किसी और चीज में एक्सचेंज कर दे, मतलब यार कहीं और ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अभी कुछ भी चीजें सामने निकल के नहीं आई है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा झटका होगा गरीना फ्री फायर को अगर बैन होती है तो गाइस यार आप लोग टेंशन नहीं लो, गरीना कुछ ना कुछ इसके लिए विचार करेगी और कुछ ना कुछ निकालेगी जिससे आप लोगों की आईडी चलती रहेगी, आईडी बैन नहीं होगी, एक दिन भी अगर बैन होती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा फ्री फायर को, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोगों को जो भी था मैंने क्लियर कर दिया कि आप लोग टेंशन ना लो, आप लोगों की आईडी चलेगी, वो चाहे फ्री फायर हो या फिर पबजी हो या फिर सीओसी हो, कोई भी कॉल ऑफ ड्यूटी कोई भी गेम आप लोग फेसबुक से कनेक्ट करके खेलते हो, तो गाइस यार कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और अगर आपकी आईडी बैन भी होती है, मतलब यार कुछ समय के लिए ही बैन होगी, 2 से 3 दिनों के अंदर ही बैन खुल जाएगा, और आप लोगों को मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी के लिए फ्री माइंडेड रहो, आराम से गेम एंजॉय करो, चिल मारो, फन मारो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हमारी बात चल रही है गरीना फ्री फायर की तरफ से, मॉडरेटर से बात करते हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो गाइस यार जैसे ही अभी पार्टनर प्रोग्राम वालों ने बात किया है कि कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, लेकिन जैसे ही मॉडरेटर कंफर्म कर देते हैं पूछ करके वो लोग अपने हायर मतलब लोगों से, तो गाइस यार मैं बता दूंगा आप लोगों की क्या अपडेट निकल के आ रहा है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, होप करता हूं वीडियो पसंद आएगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।